गुड मॉर्निंग एवरीवन, ये केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का सेकेंड लेक्चर है। इसके फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने जाना था केमिकल चेंज के बारे में और फिजिकल चेंज के बारे में, और उसके एग्जाम्पल को जाना था, डिस्कस किए थे। जो भी इस वीडियो को नहीं देखे होंगे, इस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से उस वीडियो को जाके देख सकते हो। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन के बारे में, कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि केमिकल रिएक्शन के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जिसे हम लोग बोल सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि केमिकल रिएक्शन हो चुका है हम लोग उसे आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, ये हम लोग समझेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में। तो वन बाय वन करके हम लोग इन सभी टॉपिक को कवर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन के बारे में, कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। तो चलिए समझते हैं केमिकल रिएक्शन को। दोज रिएक्शन इन विच वन और मोर देन वन सब्सटेंस रिएक्ट एंड फॉर्म न्यू सब्सटेंस इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। वैसा रिएक्शन जिसमें वन या फिर मोर देन वन सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं और आपका न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं, वैसे रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। जैसा कि आप एक्सप्लेनेशन देख पाओगे, दोस रिएक्शन इन विच वन और मोर देन वन सब्सटेंस रिएक्ट एंड फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। देखिए, बहुत सारे बुक में आपको देखने को मिलेगा कि दोस रिएक्शन इन विच टू और मोर देन सब्सटेंस रिएक्ट एंड फॉर्म न्यू सब्सटेंस इज नोन एज केमिकल रिएक्शन, लेकिन वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ये एक्सप्लेनेशन आपका राइट है, वो एक्सप्लेनेशन क्या हो जाएगा, रोंग हो जाएगा। कैसे, देखिए कैल्शियम कार्बोनेट है, जब हम लोग इसे हीट कर रहे हैं, देखिए हीट के लिए हम लोग ट्राइंगल सैंबल का यूज किए, देखिए इसके बारे में हम लोग और डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम लोग समझेंगे हाउ टू मेक केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव, कि कोई भी केमिकल इक्वेशन को हम लोग मोर इन्फॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो आप यहां देखोगे कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम लोग हीट कर रहे हैं तो क्या फॉर्मेशन हो रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो आप यहां पर ये देखोगे कि सिंगल सब्सटेंस है, वन सब्सटेंस है ना, और क्या हुआ कि ये रिएक्ट किया और आपका न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर रहा है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट आपका सही है। अगर आप वो स्टेटमेंट लिखते कि दोज रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंस रिएक्ट एंड फॉर्म न्यू सब्सटेंस इज नोन एज केमिकल रिएक्शन, आप ये लिखते हैं तो वो गलत होता कि नहीं होता, गलत हो जाता ना इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहां पर आपका सिंगल सब्सटेंस क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है और आपका न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर रहा है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट आपका क्या है, राइट है। तो आपको हमेशा यही स्टेटमेंट लिखना है, क्या, कि दोस रिएक्शन इन विच वन और मोर देन वन सब्सटेंस रिएक्ट एंड फॉर्म न्यू सब्सटेंस इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखोगे कि H2 प्लस O2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है तो बन रहा है H2O। ठीक है, तो यहां पर आपका तो कितने सब्सटेंस थे, मोर देन वन सब्सटेंस है, टू सब्सटेंस है ना, रिएक्ट कर रहे हैं, न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये आपका क्या है, केमिकल रिएक्शन है। आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। ठीक है, देखिए CaO जो कैल्शियम ऑक्साइड है, इसका अनदर नेम है क्विक लाइम। क्या नेम है, क्विक लाइम। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में, कि हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि केमिकल रिएक्शन हो चुका है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। देखिए, इन सभी तरीकों से हम लोग पता करेंगे कि केमिकल रिएक्शन हो चुका है। अगर इन फाइव प्रोसेस में कोई भी प्रोसेस हो रहा है तो समझ जाइएगा कि वहां पर कैसा रिएक्शन हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। वो कौन कौन से हैं, अगर कोई केमिकल रिएक्शन में कलर में चेंजेस देखने को मिलता है, इट मीन्स चेंज इन कलर, जैसे इसका मैं एग्जांपल बात करूं, जैसे आयरन का जो नेल होता है वो स्टार्टिंग में आपका ब्लैक कलर में होता है, कैसे कलर में होता है, ब्लैक कलर। जब उसमें रस्टिंग का प्रोसेस होता है
तो वो ब्राउन कलर में चेंज हो जाता है। इट मींस रस्टिंग किस तरह का चेंजेस हो गया, केमिकल चेंज हो गया, इट मींस केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। चेंज इन स्टेट, अगर स्टेट में भी चेंजेस देखने को मिलेगा तो आप समझ जाइएगा कि वहां पर कैसा रिएक्शन हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल समझोगे कि हाइड्रोजन आपका किस स्टेट में होता है, गैस स्टेट में होता है, ऑक्सीजन किस स्टेट में होता है, गैस स्टेट में होता है, ये रिएक्ट करता है बनता है आपका क्या H2O, जो कि किस स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट में होता है, होता है कि नहीं होता है, कि हाइड्रोजन गैस स्टेट में है, ऑक्सीजन भी गैस स्टेट में है, लेकिन ये रिएक्ट किया, क्या बना, वाटर बना, ठीक है H2O, और ये किस स्टेट में, लिक्विड, तो बताइए स्टेट में चेंजेस हुआ, गैस गैस था बन गया लिक्विड, तो स्टेट में चेंजेस हुआ। ठीक है, तो चेंज इन स्टेट, इवोल्यूशन ऑफ गैस, अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, अगर कोई रिएक्शन हो रहा है और वहां पर गैस इवॉल्व कर रहा है, इवॉल्व मतलब होता है बाहर निकलना, तो समझ जाएंगे कि वहां पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है। जैसे अगर मैं बात करूं इसका एग्जांपल कि जिंक को जब हम लोग क्या करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड में क्या कराते हैं, जिंक ग्रेन्युअल को जब हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड में डिसॉल्व करते हैं तो होता क्या है कि आपका जिंक सल्फेट बन जाता है और प्लस में हाइड्रोजन गैस क्या होता है, इवॉल्व कर जाता है, क्या कर जाता है, इवॉल्व कर जाता है। देखिए आप यहां समझिएगा कि जिंक ग्रेन्युअल, इट मीन जिंक का हम लोग छोटा छोटा पीस लिए, सल्फ्यूरिक एसिड जिसका फॉर्मूला होता है H2SO4, जब हम लोग जिंक ग्रेन्युअल को इसमें डिसॉल्व करते हैं तो होता क्या है कि ZM और SO4 जिंक सल्फेट बन जाता है और आपका हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर जाता है। अपवर्ड एरो यहां पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि गैस बाहर निकल रहा है, गैस क्या होता है, इवॉल्व करता है, इसलिए उसके लिए हम लोग अपवर्ड एरो यूज करते हैं, क्या करते हैं, अपवर्ड एरो यूज करते हैं। आप समझ पा रहे होंगे क्या मैं बोल रहा हूं। देखिए यहां पर ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जिंक जो है वो मोर रिएक्टिव है किससे, हाइड्रोजन से, इसलिए इसके प्लेस को क्या किया, चेंज कर दिया, इट मींस बोले तो डिस्प्लेस कर दिया। फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, अगर कोई रिएक्शन में प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है तो हम लोग समझ जाएंगे कि वो केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे एग्जांपल से मैं बात करूं कि मैग्नीशियम को जब हम लोग ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाते हैं तो बनता है आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, अब देखोगे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होता है वो आपका किस फॉर्म में होता है, प्रिसिपिटेट के फॉर्म में होता है, किस फॉर्म में होता है, प्रिसिपिटेट, इसलिए इसके लिए हम लोग डाउनवर्ड एरो यूज करते हैं। किसके लिए हम लोग डाउनवर्ड एरो यूज करते हैं, प्रिसिपिटेट के लिए। तो मैग्नीशियम को जब हम लोग ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाए बना मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि एक प्रिसिपिटेट के फॉर्म में होता है। प्रिसिपिटेट एक तरह का इनसोलेबल सब्सटेंस होता है जो कि वाटर में डिसॉल्व नहीं होता, ये बॉटम में क्या होता है, सेटल हो जाता है। जब बॉटम में सेटल हो जाता है इसलिए हम लोग इसे क्या करते हैं, डाउनवर्ड एरो के थ्रू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, फिर चेंज इन टेम्परेचर, अगर कोई रिएक्शन हो रहा है और उस रिएक्शन में टेम्परेचर में चेंजेस देखने को मिल रहा है तो भी हम लोग समझ जाएंगे कि वो किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके बारे में हम लोग चेंज इन टेम्परेचर में दो डिस्कस करेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और इंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो उस समय हम लोग डिटेल में समझ जाएंगे। तो हम लोगों ने यहाँ पर ये समझा कि इन सभी पॉइंट से हम लोग समझ सकते हैं, इन सभी प्रोसेस में अगर कोई भी प्रोसेस होगा तो समझ जाइएगा वो किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। सो आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं, जरूरी नहीं कि किसी रिएक्शन में सभी प्रोसेस होगा, ये सभी प्रोसेस में अगर कोई भी प्रोसेस आपको देखने को मिल जाता है तो आप वहां ये समझ जाओगे कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। सो